अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी उर्दू टीचर नाही दस्कर। मूनलाइट इंटरनेशनल डिजिटल एकेडमिक प्लेटफॉर्म पर आप सबको खुशामदीद। किंगडम उर्दू सीरीज में स्टार्टर का जो सबक आज हम पढ़ेंगे वो है बहुत ही जबरदस्त मज़ेदार, इसलिए कि उससे बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं जो आप सबको बहुत बहुत पसंद आती हैं। वो है ज़ा ज़े। बिल्कुल ये रे की तरह है लेकिन हमने इसके ऊपर नुक्ता लगा दिया तो क्या बन गया, ये ज़ा ज़े से बहुत प्यारे प्यारे मज़ेदार लफ्ज़ बने। और वो है एक प्यारा सा जानवर भी जो आप स्पेशली देखने जाते हैं चिड़ियाघर में, बहुत ऊंचा सबसे लंबा ज़राफ़ा। जी हाँ, ज़राफ़ा हम सबको बहुत पसंद है, हम सबका बहुत पसंदीदा जानवर है ज़राफ़ा। ज़राफ़े की सबसे अलग सी जो बात है वो क्या है, उसकी गर्दन बहुत लंबी होती है, बहुत लंबी, और ज़राफ़ा उसको कहा जाता है। क्या कहते हैं, ज़राफ़ा। एक और बहुत अच्छा सा प्यारा सा मासूम सा जानवर होता है, उसके ऊपर ब्लैक ब्लैक काली काली सफ़ेद सफ़ेद पट्टियाँ सी बनी होती हैं, उसको हम कहते हैं ज़ेब्रा। वो भी ज़ा से बनता है, ज़ाल से ज़ेब्रा। क्या बनेगा, ज़ाल से ज़ेब्रा। जी हाँ, ये भी हम चिड़ियाघर में देखते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा ये मासूम सा जानवर होता है, गधे जैसा होता है, कुछ घोड़े जैसा, लेकिन इसके ऊपर काली और सफ़ेद पट्टियाँ होती हैं जिसकी वजह से ये क्या कहलाता है, ज़ेब्रा ज़राफ़ा। अब हम इसकी एक प्यारी सी छोटी सी नज़्म देखते हैं, वो पढ़ते हैं। ज़राफ़ा है प्यारा ऊंची गर्दन वाला, ज़राफ़ा है प्यारा ऊंची गर्दन वाला, ज़ेब्रा भी है प्यारा काली पट्टी वाला। जी हाँ, ज़ेब्रा भी है प्यारा काली पट्टी वाला। ये इसकी ज़राफ़ा और ज़ेब्रा की नज़म थी आप सब बच्चों के लिए। अब हमने जो काम सीखना है वो क्या है, ज़ेल को लिखना सीखेंगे। अब हमने क्या सीखना है, ज़े को लिखना सीखेंगे। ये देखें, अब हम सरगर्मी की तरफ आते हैं। सुर्ख नुक्ते से आपने पेंसिल को नीचे की तरफ लाना है, बिल्कुल इसको रे की तरह आपने लिखना है, लेकिन इसके ऊपर क्या होगा, तो ये ज़े बन जाएगा। जी हाँ, नुक्ता। इसकी अलामत क्या है, एक नुक्ता। इसकी अलामत क्या है, एक नुक्ता। ज़े बिल्कुल रे की तरह है, ऐसे ही लिखें आप। सुर्ख पेंसिल को नीचे तक लाएं, इसको रे जैसा बना दें और उसके ऊपर क्या डालेंगे हम, एक नुक्ता। तो क्या बन जाएगा, ज़े। रे की तरह लिखें, पेंसिल को नीचे तक लाएं और रे बना के इसके ऊपर अलामत क्या आएगी, एक नुक्ता। तो ये क्या बन जाता है, ज़े। जी, आज हमने ज़ेब्रा का ज़राफ़ा। अब आपने मुझे बताना है, यहाँ बहुत सारे जानवर हैं, आपने ये बताना है कि ज़राफ़ा और ज़ेब्रा, हमने उनको ढूंढा। ज़राफ़ा भी लिखा हुआ है, हाथी भी लिखा हुआ है और ज़ेब्रा भी लिखा हुआ है। आपने इन सब में से मुझे ढूंढ कर बताएं कि हम ज़ेब्रा तक कौन सी लकीर लेकर जाएंगे, ज़ा कहाँ लिखा हुआ है, ज़राफ़ा। जी बिल्कुल, ज़ा से शुरू हो रहा है ज़राफ़ा, तो उसको हम बहुत लंबी गर्दन वाला जो ज़राफ़ा है उससे मिलाएंगे। फिर हम ज़ेब्रा को मिलाएंगे, किससे, ज़ा से शुरू हो रहा है, बिल्कुल ज़ेब्रा, आपको ज़ा पहले ही नज़र आ रहा होगा कि ज़ा से कौन सा लफ्ज़ शुरू हो रहा है। ज़ेब्रा को हम किससे मिलाएंगे, जिसकी काली काली पट्टियाँ हैं वो क्या है, ज़ेब्रा को हमने ज़ेब्रा से जाके मिला। कितना मज़ा आया, बच्चों का ये सबसे पसंदीदा खेल होता है मुझे पता, और सारे बच्चे इसको बड़े शौक से करते हैं।
प्यारे बच्चों, आज हमने जल, जराफा, ज़ेब्रा को लिखना सीखा, उसकी पहचान की, हमें ज़े का पता चला कि ज़े बिल्कुल रे जैसा है, इसके ऊपर हम एक नुक्ता डाल देंगे तो ये ज़ा बन जाएगा। ज़ा से कौन सा लफ्ज़ बनता है? हाँ, प्यारा सा एक जानवर ज़राफा। प्यारे बच्चों, आज हमने ये सीखा, ज़ा ज़राफा को लिखना भी सीखा, पढ़ना भी सीखा। इंशाल्लाह ताला अपने अगले सबक के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।